स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। समर सीजन शुरू हो चुके हैं, मैंगो आइसक्रीम घर पे बनाना तो बिल्कुल बनता है। घर की होममेड फ्रेश आइसक्रीम बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बिल्कुल नेचुरल पे आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा फ्लेवर होता है। तो वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg मैंगो लिए हैं। आप कोई भी मीठे आम ले सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए। अगर वो रेसे वाले हैं तो उसका पल्प आपको छानना पड़ेगा एक बार बस। तो इसे धो के काट के अभी हम पल्प इसका पूरा अलग कर लेंगे और इसे हमें मिक्सी जार में पीसना है। तो इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ, 1/2 कप होममेड कंडेंस्ड मिल्क है ये। तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि 1/2 लीटर दूध से आप 1 किलो मार्केट जैसी आइसक्रीम बनाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप वो घर पे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी मार्केट जैसी नहीं बनेगी। जिस तरीके से मटर पनीर के लिए हमें मटर पनीर ही चाहिए है, वैसे ही आइसक्रीम के लिए हमें क्रीम जरूर चाहिए है। उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंगो को मैंने पीस लिया है। अभी क्या करना है, अभी हमें बनाना है व्हिपिंग क्रीम इसके लिए। तो मैंने व्हिपिंग क्रीम के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और खूब सारे आइस क्यूब लिए हैं, उसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। दूसरा बर्तन जिसमें हम व्हिपिंग करने वाले हैं क्रीम की, वो बर्तन और ब्लेड उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, एकदम चिल्ड करने ला है इन्हें। और उसके बाद में व्हिपिंग क्रीम लेंगे। तो मैं हैवी जो व्हिपिंग क्रीम रहती है केक की फ्रॉस्टिंग वाली, वो यूज कर रही हूँ। आप अमूल की भी कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको भी मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम चिल है ये। इसको ओपन करके पूरे ही क्रीम को मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। बहुत ही थिक होती है ये और एकदम मीठी होती है। इसको फटाफट से आप बीट कर सकते हैं अगर सब कुछ ठंडा आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हीट सेंसिटिव होती है। जरा सी भी हीट अगर है तो ये अच्छे से बीट नहीं होगी। पहले 1 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम पे बीट करूंगी और उसके बाद मैं हाई स्पीड में इसे बीट करूंगी मैं 5 से 6 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो मार्केट में जब भी आप आइसक्रीम खाते हैं, आपने अक्सर रियलाइज किया होगा कि आपको बहुत ही प्यास लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट की आइसक्रीम में बेसिकली डालडा, डेरी वाइटनर, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, फूड कलर और एसेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। आप कभी कभी खा सकते हैं लेकिन अक्सर उनसे बचना चाहिए। आपको घर पे कुछ ना कुछ हेल्दी उसका ऑप्शन बनाना चाहिए। तो ये मैंने कर लिया है व्हिप। इसको आप देख सकते हैं, अभी जो साइड्स की रह जाती है उसको भी मैं इस तरीके से समेट लूंगी और वापस से 1 मिनट के लिए करूंगी। तो इसको जांचने का सबसे सही तरीका है कि जो इसकी पीक होती है वो एकदम स्टिफ रहे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रही है, ना ही ये गिर रही है। आप बर्तन को उल्टा भी करेंगे ना तो भी क्रीम बाहर नहीं जाएगी, हिलेगी भी नहीं वो अपनी जगह से। ये परफेक्टली बीट हुई है। आप देख सकते हैं, मैं स्पैचुला में आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप क्रीम ले और इसे उल्टा करें, बिना आप इसे ठोकेंगे भी ना तो भी ये नहीं गिरेगी। इस तरीके से आप इसे बीट करें। अभी क्या करेंगे, इसमें बीट हो चुकी है प्रॉपरली, तो मैंगो का पल्प जो हमने बनाया है उसको इसमें डाल देंगे और इसे अभी हमें मिक्स करना है। अभी इसे हम बीट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंगो पल्प मैंने बचा लिया है, इसको हम वापस ऊपर से डेकोरेशन के टाइम पे डालेंगे। तो इस तरीके से स्पैचुला से हल्के हाथों से बहुत ही सॉफ्टली इसे हैंडल करें आप, एकदम जल्दबाजी में इसे मिक्स ना करें। इसमें जो एरेशन हमने डेवलप किया है व्हिपिंग क्रीम में, तो वो अगर आप ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे ना तो वो सारा ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी एक एयर टाइट कंटेनर लें और उसमें पूरा ही बैटर को आप शिफ्ट कर दें और उसके बाद में इसको हम डाल देंगे और इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है और वापस निकाल के एक बार और हम इसे मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे। आप इसे मिक्सी जार में भी ब्लेंड कर सकते हैं, पर व्हिपिंग क्रीम आप मिक्सी जार में नहीं कर सकते। वैसे मैंने इसमें एल्यूमिनियम फॉइल और लगा दूंगी जिससे बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं जम पाएंगे। अभी हम इससे ढक्कन को बंद कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे। तो 2 से 3 घंटे बाद में हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं कि ये कैसी हुई। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ एक बार वापस किसी बर्तन में निकाल के। इस तरीके से मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी और वापस से इसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए काफी हो जाता है। 2 मिनट के लिए आप इसे इस तरीके से वापस से मिक्स कर लें तो एक बहुत ही अच्छा एरेशन इसमें डेवलप होता है जो बिल्कुल मार्केट वाला फील देगा जब आप इसे सर्व करेंगे किसी को। तो मैं आपको वैसे 2 से 3 बार नहीं कर रही हूँ, एक बार में, क्योंकि हमने व्हिपिंग क्रीम यूज की है, इसमें बिल्कुल भी दूध यूज नहीं किया है, तो एक बार ही करना काफी है। तो इसे मैंने कर लिया, अभी वापस उसी कंटेनर में इसे हम शिफ्ट कर देंगे और 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे जमा लेंगे। तो ये फ्रिज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फ्रिज कैसा है,
अगर आपका फ्रिज बहुत पुराना है, अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसे मैंने स्प्रेड कर दिया और वापस से जो मैंगो पल्प था उसको उसके ऊपर डालेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना देंगे। और आप मैंगो चंक्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इस तरीके से मैंने इस पर डाल दिया और एक लकड़ी की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हम डिजाइन बना देंगे, कुछ भी जो आपको इजी लगे करने में। तो मैंने ऐसे ही जस्ट मिक्स कर दिया है। इसे वापस से एल्यूमिनियम फॉइल को लगाएंगे, ढक्कन बंद करके अभी हम 7 से 8 घंटे के लिए इसे सेट कर लेंगे। बेटर रहेगा आप रात में इसे सेट करने रखें। आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। मैं आपको इस तरीके से निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी स्मूथली ये निकल रही है। और आप जो लाइंस देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हुई है। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमे हैं। सॉरी, मेरे कैमरे को शायद कुछ लग गया था तो वीडियो प्रॉपरली नहीं आया है। तो इस तरीके से मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप भी इस तरीके से बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।